नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिससे निपटने के लिए कितना तैयार है भारत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है, तो वहीं इसको लेकर के लॉकडाउन पर ट्रंप कहते हैं कि इससे देश बर्बाद हो सकते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि ट्रंप आखिर दुविधा में क्यों हैं। अब पूरी दुनिया में इसको लेकर के कई अलग अलग मत हैं। किसी को ये लगता है कि कितनी देर तक टिकता है कोरोना वायरस। हालांकि पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, परंतु वुहान शहर में इस समय खत्म हो सकता है बैन। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 3 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। पहले 1 लाख से अधिक मामले 67 दिन में, दूसरे 1 लाख से अधिक 11 दिन में और तीसरे 1 लाख से अधिक 4 दिन में। यानी ये वायरस पूरी तरह से अपने आप को विकसित कर रहा है। अब अगर एक नज़र भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पर डाली जाए तो वो इस प्रकार से हैं। पहले 50 मामले 40 दिन में आए, फिर 100 तक का आंकड़ा पहुंचने में लगभग 4 दिन लग गए। इसके बाद भी 150 आंकड़े पहुंचने में 4 दिन लगे, 200 पॉजिटिव केस पहुंचने में 2 दिन लगे। लेकिन इन सब के बाद में हर दिन लगभग 100 नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए एक आम भारतीय के मन में आशंका है कि क्या हमारी तैयारी इस प्रकार से है कि हम कोरोना से निपट सकेंगे। ऐसे में ज़रूरत है हमें भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को समझने की। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में 2 भागों में बांटा जा सकता है, पब्लिकली और प्राइवेट। पहले हम बात पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की करेंगे, यानी वो सिस्टम जो सरकार के नियंत्रण में है। इस सरकारी सिस्टम को हम 3 लेयर में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें वे हेल्थ केयर आते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिन्हें PHC कहा जाता है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ डिस्पेंसरी। इन दोनों ही जगह रोज़मर्रा में सर्दी, जुखाम, बुखार जैसे इलाज होते रहते हैं और इसका प्रावधान भी है। इसके बाद आते हैं जिला अस्पताल, जहाँ पर इस प्रकार की बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। दूसरे और तीसरे स्तर के सेकेंडरी और इंटरसी, जिसे टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। इसमें आते हैं राज्यों के अधीन आने वाले अस्पताल और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल। पूरे देश में मौजूद प्राइवेट अस्पतालों को भी इन्हीं के तहत गिना जाता है, लेकिन भारत में इस समय एहतियात बरते जा रहे हैं। यूपी पुलिस से लेकर के और अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा किस प्रकार की तैयारी की गई है ये आपको दिखाते हैं और किस तरह की चेकिंग की जा रही है। पल पल की विशेष रिपोर्ट। गाड़ी रोके, अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी रोके, अंदर के पैसेंजर को चेक करवाइए। अंदर के पैसेंजर बाहर आ जाए, अंदर के पैसेंजर बाहर आके अपने आप को चेक करवाए। वहीं रुक जाए, आगे मत आए, वहीं रुक जाए, आगे मत आए। टेम्परेचर है क्या उनको? विवेक, टेम्परेचर है उनको? मास्क को मुंह पे लगाए। ग्लव्स पहने, शील्ड उनके मुंह की तरफ रखें। एंगल में बाहर आप उधर एंगल बनाइए ना। ड्राइवर गाड़ी में बैठ जाए। आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी से हमें मेडिकल कॉलेज के लिए फॉलो करेंगे। अभी रुके रहे हैं, एक गाड़ी रुके रहे हैं। आप अपनी सीट गाड़ी के टायर के पास ही रखें। गाड़ी के पास इसको ये बाकी लोग पीछे हो जाइए।
डिसइंफेक्ट करें, सीट को भी डिसइंफेक्ट करें।